साथियों, 21वीं सदी का भारत सबको साथ लेकर सबके विकास और सबके प्रयास से ही आगे बढ़ेगा। कुछ राज्य पीछे रहे, कुछ राज्य के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे, ये असंतुलित विकास राष्ट्र के विकास के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। त्रिपुरा के लोगों ने दशकों तक यहां यही देखा है, यही अनुभव किया है। पहले यहां भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पहले जो सरकार यहां थी उसमें त्रिपुरा के विकास का न विजन था और न ही उसकी नीयत थी। गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। स्थिति को बदलने के लिए ही मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा, HIRA, एच से हाईवे, आई से इंटरनेट वे, आर से रेलवे और ए से एयरवेज। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यहां आने से पहले मैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की नवनिर्मित बिल्डिंग और दूसरी सुविधाओं को देखने गया था। त्रिपुरा की संस्कृति, यहां की विरासत, यहां का आर्किटेक्चर, एयरपोर्ट पर उतरने वाले हर यात्री को अब सबसे पहले नजर आएगा। त्रिपुरा की प्राकृतिक सुंदरता हो, उनाकोटी हिल्स के जनजातीय साथियों की कला हो, पत्थर की मूर्तियां हो, ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर पूरा त्रिपुरा सिमट आया है। नई सुविधाओं के बाद महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की क्षमता पहले की तुलना में 3 गुना और बढ़ गई है। अब यहां दर्जन भर विमानों को खड़ा किया जा सकता है। इससे त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जब यहां डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का, कोल्ड स्टोरेज का काम पूरा हो जाएगा तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के व्यापार कारोबार को नई ताकत मिलेगी। हमारे महाराजा वीर विक्रम जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में त्रिपुरा को नई ऊंचाई दी थी। आज वो त्रिपुरा का विकास होते देखकर, यहां के लोगों के प्रयासों को देखकर बहुत खुश होंगे।